नमस्कार, एबीएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। साल 2022 अलविदा कह चुका है और नए साल की दस्तक के साथ हम 2023 में प्रवेश कर गए हैं। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2023 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस साल दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के हिंद पट्टी वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 की सियासी बिसात ही नहीं बिछेगी बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी। साल 2023 के शुरू से लेकर अंत तक 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। साल के शुरू में 4 राज्यों में चुनाव है जबकि साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव है। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं तो पूर्वोत्तर में बता दें कि मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में चुनाव होने हैं। वहीं हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है जबकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की सत्ता पर क्षेत्रीय दल काबिज है लेकिन बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस काबिज है। इन राज्यों के चुनाव देश के सियासत के लिहाज से आपको बता दें कि बहुत ही अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पे पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन इस साल चुनाव होंगे या नहीं ये साफ नहीं हुआ है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीटों का परिसीमन हो चुका है और चुनाव कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कह चुकी है और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए अप्रैल मई में कर्नाटक के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने के आसार हैं। ऐसा होता है तो साल 2023 में कुल 10 राज्यों में चुनाव होंगे। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।